गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्क ऑन एचटीएमएल, हाउ वी कैन वर्क ऑन एचटीएमएल एंड व्हाई वी यूज एचटीएमएल। ऑलरेडी आई एम एक्सप्लेन इन द क्लास के हाउ वी एक्सप्लेन एंड डू वर्क ऑन एचटीएमएल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ऑन दिस वेबसाइट, सी दिस। आपको क्लास में बताया गया था कि आपने किस तरह से HTML पे काम करना है, और एक दो बार तो आपने खुद करके भी देखा है, आप घर से भी टास्क करके आए हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास कंप्यूटर है, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनको अलग से टास्क दिए गए थे कि आपने काम करना है और किस तरह से काम करना है और कौन सी बुक्स को यूज़ करके काम करना है। अब जिनके पास कंप्यूटर है वो HTML पे किस तरह से काम करें, आपको ये काम वेकेशन के ड्यूरिंग दिया गया था कि आपने घर में बैठ के एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट पे आपने इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस, और उसके अलावा आपने टेबल सेट करने हैं। टेबल्स पुट करने के बाद आपने फॉर्म्स पे काम करना है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दी थी। आपको शायद इशू हो रहा था काम करने में या हो रहा है, उस चीज़ को आसान करने के लिए मैं खुद ये पहले आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। आपके कंप्यूटर में नोटपैड तो होगा, नोटपैड आप स्टार्ट बटन में जाके सर्च करेंगे आपको नोटपैड मिल जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट टाइम की वजह से मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दे देती हूँ कि किस तरह से आप करेंगे। ये पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट में डिस्प्ले हों। डिस्प्ले होने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। W3 School, आपको मैंने क्लास में भी बताया था, W3 School एक वेबसाइट है जो कि आप फॉलो करते हुए अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए बेसिक से है, यानी कि ABC जिस तरह से आप सीखते हैं उसी तरह से ये लोग आपको W3 वेबसाइट जो है W3Schools.com वेबसाइट आपको उसी तरह से HTML सिखाएगी, ABC की तरह बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएगी। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको गाइड किया गया था। लेकिन अब जो मेन फोकस है हमारा वो इमेज किस तरह से डिस्प्ले करवानी है। आपके पास नोटपैड है, नोटपैड पे आप इस तरह से ये कोड जो है, ये कोड इमेज का कोड जो है ये यहाँ से मैंने लिया कॉपी करके। आप जैसे ही नोटपैड पे डिस्प्ले करेंगे आपको उसका आउटपुट आ जाएगा, जिस तरह से मैंने ये इस तरह से यहाँ पे किया। समझे, ये जो है ये हिस्सा, ये पूरा मेरा नोटपैड का हिस्सा है, ठीक है, नोटपैड का हिस्सा है ये देखिए। अब इस पूरे पार्ट को मैंने यही कोड अगर मैं वहाँ पे करूँ जाके, आपके नोटपैड में करूँ जाके, तब भी मुझे ये इसी तरह से रिस्पॉन्स देगा, यही इमेज डिस्प्ले होगी। लेकिन उस इमेज डिस्प्ले करने के लिए आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। और एक और मैं आपको एडिटर बता देती हूँ कि किस तरह से आपने उस एडिटर का यूज़ करना है। ये है, यहाँ पर आपने सर्च करना है सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड। अगर सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके इसमें कंप्यूटर में कोई भी नोटपैड नहीं है, तो जस्ट आपने क्लिक करना है। किस चीज़ के लिए है, आपकी जो विंडो का साइज है आप उसी के लिए डाउनलोड करेंगे। ये हो रहा है सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड, जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। ये एक इमेज डिस्प्ले करने के लिए जस्ट ये चीज़, ये देखें, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर ये भी चीज़ नहीं चाहते, आपको हेडिंग्स का आइडिया दिया था, ये पूरी हेडिंग्स, अब कुछ मैं हेडिंग्स आपको डिटेल में बता देती हूँ। टोटल हैं हेडिंग्स 1 से लेके 6 तक, और सब में टेक्स्ट का साइज, हेडिंग्स में टेक्स्ट का साइज जिस तरह से आप अपनी कॉपीज में हेडिंग्स देते हैं। अब मैं जस्ट चेंज कर दी जाऊँगी, यहाँ से 1, यहाँ पे भी चेंजिंग करनी है 1, 2, ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको चेंज करने की करनी है मुझे, ये 3, ये 3, ये 4, यहाँ पे भी 4। अब मैं अगर इसको रन करूँ, ये देखिए मेरी हेडिंग्स चेंज हो रही हैं। आप हेडिंग्स का साइज चेंज रख सकते हो 1 से लेके 6 तक, 5, यहाँ पे भी हम 5 कर देंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग का काम हो रहा है यहाँ पे। ये जो यहाँ से ये जो हिस्सा है ये क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, और ये जो स्लैश डिस्प्ले हो रही है ये क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। इसका आइडिया ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है और आपको आइडिया है कि ये क्या है। अब ये मैं सेव वगैरह तो नहीं करना चाहती, आप लोग जस्ट ये देखिए,
जिसमें मुझे दिखाना था आपको, मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये मेरा हेडिंग से काम यहाँ पे वो। अच्छा, एक चीज़ मैंने कही थी अभी थोड़ी देर पहले बात की, पैराग्राफ भी। अब पैराग्राफ के यहाँ पे भी मैं अगर कुछ भी कोई भी पैराग्राफ लिख दूँ तो मैं लिख सकती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन सा पैराग्राफ मैं लिखना चाहती हूँ। ये देखिए, मुझे ये पैराग्राफ वहाँ पे चाहिए। मैंने कॉपी किया, इस पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। जस्ट उसके बाद आप रन करें। ये रन हो गया, ये देखिए मेरा पैराग्राफ आ गया यहाँ पे। आपको भी आई होप डिस्प्ले हो रहा है, ये पैराग्राफ आ गया। ये पैराग्राफ का काम होता है। और पिक्चर का काम मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह से आपने पिक्चर का काम करना है। ये तो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, आप जस्ट अपना नोट पैड पे ये सिंपल सा काम कर सकते हैं। और हमेशा जब फाइल को सेव किया जाता है .html के नाम से सेव किया जाता है, .html के नाम से। ठीक है, एक्सटेंशन जो होती है, नाम आप जो भी दें, जो एक्सटेंशन देंगे लाइक दिस, कि मैंने एक नाम दिया है कि माई फर्स्ट वेबसाइट, अब उसका जो एक्सटेंशन आप देंगे .html। ठीक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, देख लें आप, इससे होगा। अब और चीज़ क्या थी यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज का भी सेम ही सिचुएशन थी, बैकग्राउंड इमेज की। ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड इमेज का भी थोड़ा सा खुद आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए आ रही है, ये यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कोड है ये। देखिए, एक एक लाइन का कोड है, आपने एक एक लाइन का कोड करना है और आपका टास्क परफॉर्म हो जाना है। मैंने सिंपल सी चीज़ें दी थी, इमेज ऐड करो। इमेज ऐड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये इमेज का कोड हो गया। अब मैंने कहा कि आप बैकग्राउंड इमेज ऐड करें, ये आपका बैकग्राउंड इमेज का हो गया। अब उसके बाद एक और चीज़ कही थी कि टेबल इंसर्ट करना है। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए ये देखिए टेबल्स बनी हुई है, इस तरह से मुझे टेबल चाहिए। कैसे आएगी ये देखिए, टेबल के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, देखें टेबल, टेबल टैग से स्टार्ट हुआ, ये टेबल टैग से स्टार्ट हुआ। एक मिनट, मैं आपको तो टेबल कर दूं यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा टेबल का काम कर रहा है। यहाँ से ये टेबल, और इस टेबल की ये मैंने डिजाइनिंग की है कि टेबल का साइज कितना होना चाहिए। ये यहाँ से हेडिंग वगैरह और टेबल जो कॉलम्स बनेंगे, ये पूरा उसका प्रोसेस आपको दे रहा है। आप यहाँ से आइए, ये देखिए स्टाइल। अच्छा जी, आपकी टेबल ये जो थी आपकी CSS अप्लाई थी, आप CSS पे काम ना करें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका मेन जो फोकस है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ से किस तरह से, ये देखिए यहाँ से ये जो टेबल है ना, टेबल का टेबल, यहाँ से टेबल दिया, उसके बाद टेबल रो दी, टेबल हेड दिया, टेबल आपके कॉलम्स वगैरह जो आ रहे थे वो दिए हैं यहाँ से। अब ये इन लोगों ने रन करके देखा तो ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर कोई चेंजिंग भी कर रही हूँ ना, तो वो चेंजिंग भी हो जाएंगी। अब देखिएगा किस तरह से चेंजिंग हो रही है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कंपनी की जगह पे क्लास 6 7 8 9, तो अब ये अगर मैं रन कर रही हूँ, ये देखिए हो गया। हेडिंग में क्या आ गया, क्लास 6 7 8 9, जो आप देना चाहेंगे वही टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जो है CSS इन लोगों ने अप्लाई किया कि स्टाइल के लिए, उसी तरह से ये पूरा कोड है। आपको यहाँ से भी बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ना कॉलम, ये जो आपकी रोज है ना, मैं वो इंक्रीज कर दूँ। अब देखिए, कंट्रोल सी किया मैंने और कंट्रोल वी किया। अब मैं जैसे ही रन करने जाऊंगी, एक और इंक्रीज हो गई, हो रही है।
आप भी ट्राई करें। HTML का मैं कहती हूँ सबसे सिंपल तरीन कहा जाए ना आपके लिए HTML है। ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल हो गया, बल्कि डाउनलोड हो गया। अब हम इंस्टॉल करते हैं। जस्ट मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यस, नेक्स्ट। इंस्टॉल, फिनिश। ये आ गया हमारा सबलाइन टेक्स्ट। यही चीजें मैं वहां पे आपको अगर अप्लाई करके दिखाऊं आराम से हो जाएगा। ये सबलाइन टेक्स्ट है ना। अब यहां से मैं ना इसको जस्ट कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C। कंट्रोल सेव जैसे ही करूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कोई भी फोल्डर हो मैं कहीं पे भी जाके कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डॉट HTML। यहाँ पे मैं जस्ट सेव कर रही हूँ, सेव। मुझे ये रन भी करना है, राइट। रन करने के लिए आपके पास बहुत सारे वेज हैं, लेकिन एक उनमें से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से रन करना है। अच्छा, ये आप हमने यहाँ पे सेव किया था, ये देखिए प्रैक्टिकल। मैंने डबल क्लिक किया, ये टेबल यहाँ पे रन हो गई, हो रही है। सेम चीज, सिंपल सा। उसी तरह से आपने पिक्चर्स बनानी है। अगर ये फिर भी अगर आपको इश्यू हो तो एक और वे भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ये जो आपका मैंने जहाँ पे ये एक फाइल सेव की है, आपने यहाँ न्यू फोल्डर बनाना है और लिखना है ए माय वर्क। सिंपल सा लिख दिया, नाम दे दिया आपने। फिर ये फाइल इसके अंदर कर देनी है पुट। करने के बाद ये आपका एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफाइड वर्क कहलाया जाएगा। ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब आपने और जितने भी काम करने हैं इसी तरह से करने हैं, और इसी तरह से अपने टास्क परफॉर्म करने हैं कंप्लीट करके, फिर आपने सबमिट करवाने हैं। और इसमें ये देखिए ये चीजें करनी है आपने। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और प्रैक्टिकल वर्क ऑन HTML क्या करना है, हेडिंग्स, हेडिंग्स का यूज करें, पैराग्राफ लिखें, टेबल्स इंसर्ट करें, इमेजेस इंसर्ट करें एंड फॉर्म्स इंसर्ट करें। काफी बच्चों को फॉर्म का आइडिया नहीं हो रहा था कि फॉर्म किसको कहते हैं। मैं एक मिनट बताती हूँ कि फॉर्म होता क्या है। ये देखिए आप, आपको फॉर्म दिखा देते हैं। वेट अ मिनट, ये देखिए फॉर्म ये होता है। जब आप ना कहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो आपको ये चीजें दी जाती हैं कि ये फिल करें। आप फेसबुक की आईडी बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको किस चीज की नीड पड़ती है, आपके फॉर्म की। ट्राई इट योर सेल्फ, खुद करेंगे। ये देखें डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी चीज को मैं अगर Ctrl+A Ctrl+C करके लेके जाऊं सबलाइन टेक्स्ट की जगह, इस पूरे की जगह, अब देखिएगा ये भी चलेगा। यहाँ पे था मेरा प्रैक्टिकल वर्क, ये आ गया फॉर्म। एक मिनट, ये तो मैं साफ कर देती हूँ, शायद आपको इश्यू हो जाए। ये आपका फॉर्म काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, हो रहा है अली खान, कुछ भी लिखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह से फॉर्म आप लोगों को डिजाइन करना था। फॉर्म के बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी करें। ये देखें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब चीजें समझने की हैं और ट्राई करने की हैं। एक बार ट्राई कर लें, बिल्कुल आसानी से ये काम आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, इस पर भी काम होता है। ये देखिए इस तरह से काम करें, इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा होगा और अच्छे से हो जाएगा। प्रैक्टिकल वर्क आपका, कहीं भी आपको इशू हो, मोस्ट वेलकम, हम बताने के लिए तैयार हैं।
आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करें। कोई आपको इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं है, कोई इंटरनेट की नीड नहीं है, जस्ट सिंपल सा नोटपैड आपको ओपन करना है। अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके मुझे जो है एक टेक्स्टर जो मैं यूज करती हूँ वो सबलाइन टेक्स्ट 3 है, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। अगर ये यूज करना चाहें और इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। अगर नहीं करना चाह रहे, कोई इंटरनेट का इशू है, कोई इशू नहीं है, आप इंटरनेट मत यूज करें। सिंपल सा आप काम अपने तरीके से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।